छात्रणिक साइंस प्रोचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। हिंदू धर्म में ब्रह्म कमल के फूल को ब्रह्मा जी का प्रतिरूप माना जाता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि जब यह फूल खिलता है तो इस पर भगवान विष्णु की सैया दिखाई देती है। भारतवर्ष में ब्रह्म कमल का फूल हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये फूल साल में सिर्फ एक बार खिलता है। ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। उत्तराखंड में इन पुष्पों की खेती भी होती है। ये फूल विशेष तौर पे पिंडारी से लेकर जपला, रूपकुंड, हेमकुंड, ब्रीज गंगा, फूलों की घाटी और केदारनाथ तक में पाया जाता है। साल में एक बार होने के कारण इस फूल को देखना सौभाग्य माना गया है। भारत वर्ष में इस फूल को कई अन्य नामों से भी जानते हैं। आइए जानते हैं ब्रह्म कमल का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में ब्रह्म कमल के फूल को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह फूल धार्मिक मान्यताओं में बहुत प्रसिद्ध है। धर्म पुराणों की माने तो ब्रह्म कमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प होता है, इसलिए इसे नंदा अष्टमी के दिन तोड़ा जाता है। ब्रह्म कमल का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म का कमल। ऐसा माना जाता है कि केवल भाग्यशाली लोग इस फूल को खिलते हुए देख पाते हैं, और जो भी व्यक्ति इस फूल को खिलते हुए देखता है उसे अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होता है। ब्रह्म कमल फूल न सिर्फ देखने में ही सुंदर होता है बल्कि इस फूल के कई औषधीय उपयोग भी हैं। इस फूल का उपयोग जलने, सर्दी, जुकाम, हड्डी के रोगों में प्रयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे निकलने वाला पानी पीने से थकान भी दूर होती है। चिकित्सीय प्रयोग में इस फूल के 174 अलग अलग फॉर्मूले पाए गए हैं। वनस्पति वैज्ञानिकों ने इसे दुर्लभ फूल की 31 अलग अलग प्रजातियां खोज निकाली हैं। वनस्पति वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्म कमल एस्टोरेशी कुल का पौधा है। तो पौधा सामान्य कमल की तरह पानी में नहीं उगता बल्कि जमीन पर यह पौधा 400 मीटर से अधिक की ऊंचाइयों वाले जगहों पर खिलता है। लेकिन अभी कुछ सालों से इस पौधे की 3000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में देखा गया है।